नमस्कार, केपी न्यूज 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं आयुषी विजयवर्गीय आपके साथ। तो चलिए खबरों के सफर की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। चितगुप्पा में रहनुमा प्राइमरी व हाई स्कूल में एसएलसी में अच्छे प्रतिशत के साथ पास होने वाले छात्र छात्राओं को किया गया सम्मानित। विपक्ष के नेता की नियुक्ति 15 अगस्त के बाद होगी, कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने ये बात कही। राज्य सरकार ने सिद्धरामैया और शिवकुमार पर दर्ज 9 मामले लिए वापस, कोरोना नियमों के उल्लंघन के तैयार। दिल्ली सरकार का अहम फैसला, स्कूलों में मोबाइल फोन पर रोक। मोहब्बत दिल में रहती है, दुकान में नहीं, नए गाने के जरिए बीजेपी ने कांग्रेस पर साधा निशाना। दिल्ली में सांसदों की बाइक रैली के साथ हर घर तिरंगा 2.0 कैंपेन लॉन्च। अब देखते हैं समाचार विस्तार से। गुरुवार 10 अगस्त को चितगुप्पा में रहनुमा एजुकेशन सोसाइटी की ओर से चलाए जाने वाले रहनुमा प्राइमरी व हायर स्कूल में इस साल एसएसएलसी में अच्छे प्रतिशत के साथ कामयाब होने पर एक सम्मान कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता रहनुमा एजुकेशन सोसाइटी के अध्यक्ष मोहम्मद कुतुबुद्दीन पटेल ने की, जबकि रहनुमा एजुकेशन सोसाइटी के सभी अधिकारी मोहम्मद अयाजुद्दीन, उपाध्यक्ष मंसूर हाशमी, सेक्रेटरी मोहम्मद मोहिउद्दीन लाठोड़ी, कोषाध्यक्ष के अलावा सभी सदस्य जैसे कि सैयद राशिद अली पटेल, टीचर मोहम्मद जहीरुद्दीन, अब्दुल कयूम, शेख महबूब, मोहम्मद मोहिउद्दीन रिजवान, अब्दुल रहीम कुरैशी, मोहम्मद जफर कुरैशी और इस स्कूल के टीचर मोहम्मद अकील अहमद उपस्थित। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथियों में अंदूर महारुद्रप्पा, रिटायर्ड साइंस टीचर व रिटायर्ड हेडमास्टर सद्बोधनी स्कूल चितगुप्पा, इनके अलावा रिटायर्ड प्रिंसिपल महसूलदार साहब और चितगुप्पा के युवा शायर, राइटर, आर्टिस्ट व केबी न्यूज के एडिटर व एंकर मुस्तफा आदिल थे। इस अवसर पर इस साल एसएसएलसी में अच्छे मार्क्स लेकर पास होने वाले इस स्कूल की छात्राओं को तबस्सुम पिता मोहम्मद दस्तगीर, समरीन पिता मोहम्मद महबूब, जो 91% मार्क्स लेकर पास हुई उनको और उनके पेरेंट्स को सम्मानित किया गया और इन छात्राओं को स्कूल प्रशासन की ओर से गिफ्ट भी दिए गए। इनके अलावा इस साल एसएसएलसी में कामयाब होने वाली छात्राओं और छात्रों को स्कूल प्रशासन की ओर से सम्मानित किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत कलाम पाक से हुई और स्कूल की छात्राओं ने हमद नात और संबोधन प्रस्तुत किए। इस अवसर पर मुख्य अतिथियों में अंदूर महारुद्रप्पा, रिटायर्ड साइंस टीचर व रिटायर्ड हेडमास्टर सद्बोधनी स्कूल चितगुप्पा को केंद्र सरकार की ओर से बेस्ट टीचर अवार्ड से सम्मानित किए जाने पर रहनुमा एजुकेशन सोसाइटी की ओर से सम्मान किया गया और गिफ्ट दिए गए। छात्रों के लिए इस अवसर पर मंसूर हाशमी सेक्रेटरी, राशिद अली पटेल टीचर, मोहम्मद अकील टीचर और मुस्तफा आदिल महसूलदार साहब और अंदूर महारुद्रप्पा साहब ने मोटिवेशनल स्पीच देकर संबोधित किया। इस अवसर पर स्कूल प्रशासन की ओर से सभी अतिथियों को शॉल और फूलमाला पहनाकर सम्मानित किया गया। केपी न्यूज के संवाददाता अजीम का भी सम्मान किया गया। स्कूल की टीचर अर्शिया फातिमा ने इस कार्यक्रम की कार्रवाई चलाई और आखिर में सभी मुख्य अतिथियों और सभी छात्रों छात्राओं का धन्यवाद दिया गया। चितगुप्पा से केपी न्यूज के संवाददाता अजीम की कवरेज के साथ केपी न्यूज के न्यूज एडिटर व एंकर मुस्तफा आदिल की रिपोर्ट। जानिब से पहले पेश की गई और इसके साथ साथ और एक तजवीज आई थी या फिर प्रिंसिपल को पहले पेश करते ही करते हैं जो बेहतरीन खिदमत अंजाम देकर अपना जो रिजल्ट अपना परफॉर्मेंस बेहतर से बेहतर रिजल्ट लाते हैं। वैसे उर्दू में तो हर साल स्टूडेंट फर्स्ट आते हैं, उर्दू एक मादरी जबान होने की वजह से तमाम स्टूडेंट अच्छे स्कोर भी करते हैं। इस मतलब और सब्जेक्ट में जो जिनके हाइएस्ट स्कोर है या जिनका अच्छा रिजल्ट है उनको भी तहनीत पेश करने का इंतजामिया भी जाने। जब कभी भी कोई बला आई काम माँ बाप की दुआ आई, जब कभी भी कोई बला आई काम माँ बाप की दुआ आई, उनकी धारस से सुकून मिला। धारस मतलब उनकी हिम्मत से, उनकी धारस से सुकून मिला, काम कोई न जब दवा आई, उनकी धारस से सुकून मिला, काम कोई न जब दवा आई। जब कभी भी कोई बला आई काम माँ बाप की दुआ आई, उनकी धारस से सुकून मिला, काम कोई न जब दवा आई। ये शेर
माँ की उस अजमत के बारे में देखिए कि बाद जन्नत का हो गया एहसास। बाद कहते हैं हवा को, बाद जन्नत, जन्नत की हवा, बाद जन्नत का हो गया एहसास माँ के आंचल की जब हवा आई। तो मैं आज छात्र के साथ मैं आपके लिए हौसला देना चाहता हूँ कि आप खुद पढ़ाई करें, अपने असातिज़ा का एहतराम करें, इज्जत करें। ऐसी है कि आदमी जिससे बहुत बड़ी लंबी गजल है, लास्ट में शेर है कि इल्म की चीज एक ऐसी है कि आदमी जिससे ऐसे वैसों के भी हालात बदल जाते हैं। शौक व अंदाज व आदात बदल जाते हैं, वक्त के साथ ख्याल बदल जाते हैं। और एक शेर था इसमें कि लिबरी नाम है वादों से मुकर जाने का, भाजपा नेता और पूर्व मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने कहा कि राज्य विधानसभा में विपक्ष के नेता की नियुक्ति प्रक्रिया 15 अगस्त के बाद शुरू होगी। बोम्मई ने यहां कहा कि उन्हें इसकी जानकारी भाजपा केंद्रीय नेतृत्व ने दी, जिनसे उनकी हाल ही में दिल्ली यात्रा के दौरान मुलाकात हुई। उन्होंने कहा कि वे संसद सत्र के दौरान राज्य की पार्टी सांसदों से मिलने दिल्ली गए थे। उन्होंने केंद्रीय नेताओं अमित शाह और जेपी नड्डा से भी मुलाकात की और आगामी लोकसभा चुनाव की तैयारियों पर चर्चा की। इसके अलावा राज्य में कांग्रेस सरकार की विफलताओं और कांग्रेस सरकार के खिलाफ सार्वजनिक अभियान चलाने की आवश्यकता पर उनसे विचार विमर्श किया। बोम्मई ने कहा कि पार्टी की राज्य इकाई जल्द ही कांग्रेस सरकार की कथित जनविरोधी नीतियों के खिलाफ एक सार्वजनिक अभियान चलाएगी। इससे पहले बोम्मई ने बुधवार को भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की, वे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मिले थे। बताया गया है कि शाह ने बोम्मई को राज्य में मौजूदा कांग्रेस सरकार के भ्रष्टाचार के आरोपों और विफलताएं उजागर करने का काम करने का निर्देश दिया। पूर्व मुख्यमंत्री ने बंद कमरे में हुई बैठक में सभी ताजा राजनीतिक घटनाक्रमों के बारे में शाह को मौखिक रूप से रिपोर्ट सौंपी है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरमैया और डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार को बड़ी राहत मिली है। राज्य सरकार ने दोनों नेताओं के खिलाफ दर्ज कोविड 19 नियम उल्लंघन के मामले को वापस ले लिया है। बता दें कि सीएम सिद्धरमैया और डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार समेत अन्य के खिलाफ साल 2022 में कर्नाटक एपिडेमिक डिजीज एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया था। यह मामला कोरोना पाबंदियों के उल्लंघन के चलते दर्ज किया गया था। कानून और संसदीय कार्य मंत्री एच के पाटिल ने इसके बारे में जानकारी दी। उन्होंने कहा कि राज्य के विभिन्न पुलिस स्टेशन में दर्ज 9 आपराधिक मामलों को वापस लेने का निर्णय लिया गया है। ये मेकेदातु आंदोलन कोरोना नियमों और धारा 144 के उल्लंघन और अन्य से संबंधित है। उन्होंने कहा कि निर्णय कांग्रेस विधायक अशोक पट्टन के आवेदन के आधार पर लिया गया है, जो विधानसभा में सरकार के प्रमुख सचेतक भी रहे हैं। दिल्ली सरकार ने गुरुवार को एक एडवाइजरी जारी कर स्कूल में मोबाइल फोन के प्रयोग पर बैन लगा दिया है। अरविंद केजरीवाल सरकार के अंतर्गत शिक्षा निदेशालय की तरफ से यह एडवाइजरी जारी की गई है, जिसमें कहा गया है कि केवल सरकारी स्कूल ही नहीं बल्कि निजी स्कूलों में भी छात्रों द्वारा मोबाइल फोन के इस्तेमाल पर रोक लगाई जाए। डीए के एडवाइजरी में कहा गया, अभिभावक यह सुनिश्चित करें कि उनके बच्चे स्कूल में मोबाइल फोन लेकर न आए। अगर बच्चे स्कूल में मोबाइल लेकर आते हैं तो स्कूल प्रशासन यह सुनिश्चित करे कि उसे जब्त कर किसी लॉकर में रखा जाए। मोबाइल को सुरक्षित रखने के लिए सिस्टम बनाया जाए। दिल्ली सरकार की एडवाइजरी केवल छात्रों पर ही नहीं शिक्षकों पर भी लागू होती। कहा गया कि शिक्षक और स्टाफ क्लासरूम में, प्लेग्राउंड, प्रयोगशाला और लाइब्रेरी में मोबाइल फोन के इस्तेमाल से बचे। डीओई ने कहा, छात्रों से जब्त किया गया मोबाइल फोन छुट्टी होने के बाद उन्हें लौटा दिया जाना चाहिए। यार रुक रुक छोटे से ब्रेक के लिए फौरन लौटेंगे। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद, 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवाल और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद बढ़ते आगे।
इन दिनों संसद का मॉनसून सत्र चल रहा है, जिसमें जोरदार हंगामा देखने को मिल रहा है। संसद में विपक्ष सरकार को मणिपुर समेत कई मुद्दों पर घेर रहा है। जवाब में कल पीएम मोदी ने सदन में बोलते हुए विपक्षी दलों पर जमकर निशाना साधा। अब बीजेपी ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए अपने ट्विटर पर एक गाना शेयर किया है। इस गाने के जरिए बीजेपी ने कांग्रेस को घेरा है, जबकि बीजेपी सरकार की उपलब्धियों का जिक्र किया गया है। ट्विटर पर शेयर किए गए इस गाने में लिखा गया है कि मोहब्बत दिल में रहती है, दुकान में नहीं। ये तो कमाई जाती है, कहीं बिकती नहीं है, ये तो दिल में रहती है, दुकान में नहीं। इस गाने की शुरुआत पीएम के उस भाषण से हो रही है, जिसमें वो भ्रष्टाचार, परिवारवाद, नफरत और तुष्टीकरण के मुद्दे पर कांग्रेस पर हमला बोल रहे हैं। दरअसल बीते दिन पीएम मोदी ने संसद में अविश्वास प्रस्ताव पर विपक्षी दलों को जवाब दिया। राहुल गांधी का मोहब्बत की दुकान का नारा देश भर में काफी सुर्खियां बटोर रहा है। यह नारा कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा के समय से चर्चा का विषय बना हुआ है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलने का दावा कर बीजेपी को घेरते रहे। राहुल गांधी के इस नारे को लेकर बीजेपी के तमाम नेता भी अपनी प्रतिक्रिया देते रहे हैं। अब पीएम मोदी ने अपने भाषण के जरिए फिर से निशाना साधा। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने लोकसभा में पार्टी के नेता अधीर रंजन चौधरी को निलंबित किए जाने को अलोकतांत्रिक और दुर्भाग्यपूर्ण करार देते हुए बृहस्पतिवार को कहा कि सत्ता के अहंकार को दर्शाता है। उन्होंने यह आरोप भी लगाया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सदन का उपयोग चुनावी रैली के लिए किया है। खड़गे ने एक्स पर पोस्ट किया, धन्यवाद प्रधानमंत्री जी, आखिरकार अपने मणिपुर हिंसा पर सदन में अपनी बात रखी। हमें भरोसा है कि मणिपुर में शांति बहाली की गति तेज होगी, राहत शिविरों से लोग अपने घरों में लौटेंगे, उनका पुनर्वास होगा, उनके साथ इंसाफ होगा। आपने अगर अपना राजहट और अहंकार पहले त्याग दिया होता तो संसद का कीमती समय बचता, अहम विधेयक अच्छी तरह चर्चा के साथ पारित होते। उन्होंने कहा कि हमें तकलीफ है कि मणिपुर हिंसा जैसे अभूतपूर्व मुद्दे पर विपक्ष को अविश्वास प्रस्ताव जैसे संसदीय हथियार का उपयोग करना पड़ा, लेकिन सदन का उपयोग भी आपने चुनावी रैली के रूप में किया। खड़गे ने कहा कि आखिरी दौर में लोकसभा में कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी का निलंबन किया गया, जो बेहद अलोकतांत्रिक और दुर्भाग्यपूर्ण है। ये सत्ता के अहंकार और दुर्भावना को दर्शाता है। ये परंपरा संविधान और संसदीय लोकतंत्र दोनों के लिए बहुत घातक सिद्ध होगी। हम इसकी घोर निंदा करते हैं। आजादी के 75वें वर्षगांठ मनाने के लिए पिछले साल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू किया गया हर घर तिरंगा अभियान इस साल संसद सदस्यों की दिल्ली में एक बाइक रैली के साथ फिर से शुरू हुआ। जन भागीदारी को प्रोत्साहित करने के लिए सांसद और मंत्री अपनी बाइक पर तिरंगे झंडे लेकर प्रगति मैदान में जुटे। बाइक रैली को उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने आज सुबह करीब 8 बजे इसे हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। बाइक रैली इंडिया गेट सर्किल पर पहुंची, इसके बाद यह इंडिया गेट परिसर के चारों ओर एक चक्कर लगाते हुए कर्तव्य पथ को पार करते हुए मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में समाप्त हुई। हर घर तिरंगा अभियान के तहत लोगों को अपने घरों पर राष्ट्रीय ध्वज फहराने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा, जिसे 13 अगस्त से 15 अगस्त तक देशभर में आजादी का अमृत महोत्सव के हिस्से के रूप में मनाया जाएगा। कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर लोकसभा में कथित रूप से अपने संबोधन के दौरान फ्लाइंग किस देने के आरोप लगे हैं। इसी मामले पर अब बिहार से कांग्रेस विधायक नीतू सिंह ने विवादित बयान दिया है। उनके बयान के बाद एक तरफ जहां भाजपा नेता उन पर हमलावर हो गए हैं, वहीं कांग्रेस बैकफुट पर आ गई है। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने आरोप बुधवार को लगाया था कि अविश्वास प्रस्ताव पर अपना भाषण खत्म करने के बाद राहुल गांधी ने सदन में फ्लाइंग किस दिया था। इस पर बिहार से कांग्रेस विधायक नीतू सिंह ने शर्मनाक बयान देते हुए कहा, राहुल गांधी के पास फ्लाइंग किस देने के लिए लड़कियों की कमी नहीं है। अगर उन्हें किसी को फ्लाइंग किस देना होगा तो स्मृति ईरानी जैसी 50 साल की किसी बूढ़ी को क्यों देंगे। ये सब आरोप निराधार है। एक कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे नीतू सिंह से जब पत्रकारों ने राहुल गांधी पर लगे आरोपों को लेकर सवाल किया तो नवादा जिले की हिसुआ सीट से कांग्रेस विधायक ने यह विवादित बयान दिया। इसके बाद बीजेपी प्रवक्ता गौरव भाटिया ने नीतू सिंह के बयान की निंदा करते हुए उसे शर्मनाक बताया। वहीं इस पूरे मुद्दे पर भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने भी नीतू सिंह के बयान की आलोचना करते हुए कहा कि महिला विरोधी कांग्रेस राहुल गांधी की कथित गलत हरकतों पर उनका बचाव करने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। यार रुक, एक और छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होंगे। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद, 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात, और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें KP News 24/7।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश के संभल के एक बीजेपी नेता अनुज चौधरी की गुरुवार शाम मुरादाबाद में उनके आवास के बाहर बदमाशों ने गोली मारकर हत्या कर दी। पुलिस ने इस बात की जानकारी दी है। इस घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है, जिसमें 34 वर्षीय अनुज चौधरी अपने अपार्टमेंट के बाहर एक अन्य व्यक्ति के साथ टहलते हुए नजर आ रहे हैं। तभी पीछे की तरफ से आए बाइक पर सवार तीन लोगों ने उन पर ताबड़तोड़ फायरिंग की। इस दौरान वो बुरी तरह से घायल हो गए और जमीन पर गिरते नजर आए। अपने प्यार की खातिर अवैध तरीके से चार बच्चों के साथ भारत आई पाकिस्तान की सीमा हैदर बीते एक महीने से भी अधिक वक्त से लगातार सुर्खियों में बनी हुई है। यूपी एटीएस उनसे कथित टेरर लिंक को लेकर लगातार पूछताछ कर रही है। इसी बीच सीमा हैदर की एक डुप्लीकेट भी अचानक सामने आ गई। हूबहू सीमा जैसी शक्ल, तेवर और अदाओं वाली इस महिला का वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है। मन में सवाल उठना लाजमी है कि आखिर ये महिला कौन है जो सीमा हैदर जैसी दिखती है और अचानक ये सामने क्यों आ गई। आइए हम आपको इसके पीछे की पूरी कहानी बताते हैं। दरअसल कराची की सीमा हैदर और ग्रेटर नोएडा के सचिन मीणा को लेकर एक फिल्म बन रही है। ये फिल्म से पहले कलाकारों के चयन को लेकर ऑडिशन के दौरान का वीडियो वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में दिख रहा है कि एक महिला सीमा हैदर के किरदार को निभाने के लिए ऑडिशन देने आई है। सचिन और सीमा की लव स्टोरी को लेकर बन रही फिल्म का नाम कराची टू नोएडा है। इस वायरल वीडियो में दिख रही महिला को पहली नजर में देखने के बाद हर कोई ये कह रहा है कि तो सीमा हैदर है। इस महिला का क्या नाम है पता नहीं चल सका है। उन्हें इस रोल के लिए फाइनल कर लिया गया है या नहीं अभी ये भी स्पष्ट नहीं है। चलिए एक बार फिर से नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। चितगुप्पा में रहनुमा प्राइमरी व हाई स्कूल में एलसी में अच्छे प्रतिशत के साथ पास होने वाले छात्र छात्राओं को किया गया सम्मानित। विपक्ष के नेता की नियुक्ति 15 अगस्त के बाद होगी। कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने ये बात कही। राज्य सरकार ने सिद्धरामैया और शिव कुमार पर दर्ज 9 मामले लिए वापस। कोरोना नियमों के उल्लंघन के तैयार। दिल्ली सरकार का अहम फैसला, स्कूलों में मोबाइल फोन पर रोक। मोहब्बत दिल में रहती है दुकान में नहीं, नए गाने के जरिए बीजेपी ने कांग्रेस पर साधा निशाना। दिल्ली में सांसदों की बाइक रैली के साथ हर घर तिरंगा 2.0 कैंपेन लॉन्च। केपी न्यूज के इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया से जुड़ी तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए केपी न्यूज 24/7 के साथ। धन्यवाद।